हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपीटेट मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग 3 एग्ज़ाम 2022 जो एस्पिरेंट दे चुके हैं, और आज हम बात करते हैं आपने जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दी है उस शिफ्ट में मॉडरेट थी या हाई थी या मॉडरेट टू हाई थी या ईजी पेपर था, पूरा आपका पूरा एनालिस देखते हैं। फर्स्ट शिफ्ट वाइज, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट वाइज देख लेते हैं आपका डाउट, क्योंकि रात को मैंने बनाया था कि इजी और टफ किसे मान सकते हो, परंतु आपने बोला कि पर डे वाइज से आप शिफ्ट एनालिसिस कीजिए सर के कि मॉडरेट है, हाई थी या इजी थी। ठीक है, तो आपका मेजर डाउट ये था शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इजी या मीडियम मॉडरेट या हार्ड। ठीक है, ये तीन है आपके पास डाउट है, मेजर डाउट आपकी ये है कि जो हमने एग्जाम दे चुके हैं, हमारी जो शिफ्ट थी आपके 5 तारीख से लगाकर 5 मार्च 2022 से लगाकर 26 मार्च के बीच में, दो दिन बीच में छुट्टी थी, एक 18 मार्च 2022 को छुट्टी थी मॉर्निंग और इवनिंग वाली शिफ्ट की, एक 22 मार्च को मॉर्निंग और इवनिंग वाली शिफ्ट की छुट्टी थी। ठीक है, तो इसमें उन दोनों को डेट को छोड़ के और डेट हम देख लेते हैं, एनालाइज कर देते हैं पर डे टू पर डे एनालाइज कर लेते हैं और देख लेना आप सब के आपके नंबर। देखो, जितनी अभी नॉर्मलाइजेशन का अकॉर्डिंग चले हैं तो जो पेपर सिंपल था उसके नंबर जो आपके रो मार्क्स हैं वो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर आएंगे ना उन्हीं बोलते हैं अच्छे मार्क्स। ठीक है, अभी तो आपके पास रो मार्क्स हैं। जो शिफ्ट हार्ड होगी और जिस शिफ्ट में क्वेश्चन इरर होंगे या आए नहीं आपके सामने, उस शिफ्ट के नंबर बनने के 99.99 चांस हैं कि उस शिफ्ट के नंबर बहुत अच्छा इंक्रीज होंगे। जो मीडियम लेवल की थी वो तो उसके नंबर एक लेवल में रहेंगे, और जो हार्ड लेवल की इजी थी, इजी में आपके नंबर डिक्रीज होंगे। ठीक है, इजी में आपके नंबर डिक्रीज होंगे, 5 से 6 नंबर भी डिक्रीज हो सकते हैं, और इजी टू हाई में मीडियम लेवल में वो का भी रेशियो रहेगा, 1, 2, 3 या नंबर का रेशियो रहेगा, और जो आपके हार्ड थी उसमें 5-6 नंबर बढ़ भी सकते हैं या 3-4 नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूं आपके, अब ले लेते हैं शिफ्ट वाइज ले लेते हैं हम। ये आपकी डेट, एग्जाम डेट और शिफ्ट फर्स्ट और ये शिफ्ट सेकंड। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा पर आप संयमता रखना थोड़ा सा। अब देखो, पहले ले लेते हैं हम 5 मार्च 2022, 5 मार्च 2022। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट कैसी थी आपकी? फर्स्ट शिफ्ट थी, शुरू का जो पेपर था वो तो सबको टफ ही लगता है, आप सब देखते हैं कि हमें जो हार्ड ही लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट डे जो रहता है वो हम इजी टू हाई बोल सकते हैं, हार्ड बोल सकते हैं, इजी टू हार्ड हम बोल सकते हैं, क्योंकि शुरू दिन था सबको लगता है कि पेपर हार्ड आया पर इजी लेवल में था। मैंने जो खुद ने एनालाइज किया 5 मार्च 2022 से लगाकर 26 मार्च 2022 तक, बीच में 2 छुट्टियां थी, उन छुट्टियों को मैं खुद का अनुभव के अनुसार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप सबके कहने के लिए मैं वीडियो ही नहीं बनाना चाहता था, परंतु आप सब ने बोला है कि क्योंकि क्यों नहीं बना रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम और बढ़ सकते हैं, तो इसका आप देख लीजिएगा किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर इजी टू हार्ड मान सकते हो या मीडियम टू हार्ड मान सकते हो। ठीक है, मीडियम टू हार्ड मान लो इसको, कितना मान लो, मीडियम टू हार्ड मान लो, और शिफ्ट सेकंड जो 5 मार्च 2022 की थी मीडियम टू हार्ड, आप अच्छे से देखना है ना आपके नंबर। आप भी बोलोगे सर हमारे शिफ्ट में कम नंबर, हमारा पेपर हार्ड था या इजी था, हमारे नंबर कम बढ़ गए, तो आप देख लेना, ये वीडियो सेव करके रखना, ये बहुत काम आएगा आपका बाद में जब नॉर्मलाइजेशन पकड़ जाएगी। 6 मार्च अब 6 मार्च को कैसा था फर्स्ट शिफ्ट कैसी थी, ये मीडियम थी और सेकंड शिफ्ट भी थी आपकी मीडियम थी। 7 मार्च को आपका
बहुत हार्ड पेपर था आपका 7 मार्च में, दोनों शिफ्टें आपकी हार्ड हार्ड थी, ठीक है। और 8 मार्च, 8 मार्च को मीडियम टू हार्ड मान सकते हो आप, मीडियम टू हार्ड मान सकते हो। और ये मीडियम क्योंकि बच्चों को पैटर्न समझ में आ चुका था, बच्चों को स्टूडेंट जो एम्पिटेड एस्पिरेंट है, मैं बच्चे नहीं बोल सकता हूँ, आप एम्पिटेड एस्पिरेंट या स्टूडेंट हो जो इसे एग्जाम देने गए थे, क्योंकि पैटर्न आपको समझ में आ चुका था, तो बीच में जाके थोड़े पेपर आपको समझ नहीं, आपको इजी नहीं लगने लगा था, पर पेपर शुरू से अंत तक वो कोई आ रहा था, थोड़ा सा बस चेंज में चेंज होता जा रहा था, ज़्यादा चेंज कोई नहीं हो रहा था। थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, आप रुकिएगा और स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से क्या होता है कि आपको जो डाटा होता है आप तो अपना पर डे का जो देख रहे हो वो देख लेते हो, जिस दिन आपकी एग्ज़ाम थी और जिस किस शिफ्ट में थी, वो दूसरा आप डाटा भी देखिए, उससे आपको खुद का एनालिसिस भी बढ़ेगा और आप किसी को आप सजेस्ट भी कर सकते हो। 9 मार्च को था, 9 मार्च को मीडियम पेपर था पूरा बिल्कुल, फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का भी मीडियम पेपर था। अब 10 मार्च पर चलते हैं हम, 10 मार्च की बात करें तो मीडियम टू हाई लेवल का पेपर था ये, क्योंकि फिर लेवल बढ़ रहा था और सेकंड शिफ्ट में हाई लेवल का था ये। अब 11 मार्च को मीडियम टू हाई था, ठीक है, मीडियम टू हाई मान सकते हो, और ये भी सेकंड शिफ्ट थी, मीडियम टू हाई थी आपकी। और किसी सब आप कमेंट कीजिएगा, आप सब कमेंट कीजिएगा आपका पेपर कैसा था, आप खुद इसमें कमेंट एक एक जितने भी व्यूज़ होंगे ना, जितने भी व्यूज होंगे 10,000, 20,000, 30,000 व्यू होंगे, तो आप सबकी कमेंट आनी चाहिए मेरे को कि हमारी इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था और ऐसा हमारा पेपर था, और पूरा बेकायदा आप पूरे 5-6 मिनट लेना कमेंट लिखने में, पर बहुत अच्छे से कमेंट करना भैया, है ना, ऐसा फालतू गलत कमेंट मत करना जिससे मैं आगे वीडियो नहीं बना सकूँ आपके लिए, और आपकी पोस्ट इंक्रीज होगी या नहीं होगी उसके आधार पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। और आप सब साथ के साथ तैयारी भी करते रहिए। ये 12 मार्च जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी ये मीडियम थी आपकी, और इवनिंग वाली शिफ्ट थी आपकी हार्ड थी। 13 मार्च की बात कर सकते हैं, 13 मार्च में मीडियम टू हाई, और यूनिवर्सल शिफ्ट भी मीडियम टू हाई थी। 14 मार्च की बात कर लेते हैं हम, 14 मार्च ये भी मीडियम मीडियम थी, दोनों सुबह और यूनिवर्सल शिफ्ट की, ये मीडियम और ये मीडियम थी। एक बार आप सब देख लीजिए, आप सब देख लीजिए कि आपका पेपर कौन सी डेट को था और कौन सी शिफ्ट को था, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ये आप अच्छे से देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसको और अच्छे से देखना, आपका 6 तारीख से बदल लगाकर 14 तारीख के बीच में जो भी आपकी शिफ्ट थी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से देखना आप, ठीक है, उसके बाद आप कमेंट करिएगा, ठीक है, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब आगे चलते हैं, 14 मार्च हो गया, 7 के 7 तैयारी भी करते रहिए, वर्क 1-2 की वैकेंसी वापस आने वाली हैं और MPSI MP पटवारी भी वापस आ रही हैं, आप व्यापम में और असिस्टेंट कमांडेंट UPSC का भी फॉर्म निकला है असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, ST SC OBC ST से सब भरते रहिए फॉर्म, तैयारी करते रहिए साथ के साथ, जिसको नौकरी लगना है 1-2 साल में लग जाइए, आप समय बर्बाद मत कीजिए बस। वैसे मैं वीडियो नहीं बना रहा था पर आपके सबके कमेंट के अनुसार मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है। 15 मार्च में थी शिफ्ट थी मॉर्निंग वाली, मीडियम टू हार्ड थी ये, और इवनिंग वाली शिफ्ट हार्ड थी ये। 16 मार्च की बात करते हैं, 16 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी और सेकंड शिफ्ट भी आपकी हार्ड ही थी। 17 मार्च हार्ड पेपर था 17 मार्च का भी, और फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का भी हार्ड था। 18 मार्च को आपकी छुट्टी थी, 18 मार्च को आपकी छुट्टी थी, पेपर नहीं था उस दिन। 19 मार्च को मीडियम टू हाई मान सकते हैं,
हाई लेवल का था पर मीडियम टू हाई बोल रहा हूँ क्योंकि एक दिन छुट्टी होने के बाद फिर पेपर चेंज हो जाता है और इसमें भी मीडियम टू हाई मान सकते हो, ठीक है। और मैंने बताया रात वाली वीडियो में मैंने बताया था कि किस पेपर में आपका हार्ड और मीडियम और हार्ड मान सकते हो, CDB जो थी पेडागोजी हार्ड आई होगी तो आपका पेपर हार्ड बन गया होगा। 20 मार्च को ये हार्ड पेपर था आपका और ये इवनिंग वाली शिफ्ट का मीडियम पेपर था। और 21 मार्च हार्ड पेपर फर्स्ट वाली शिफ्ट का और इवनिंग वाली शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का जो था मीडियम टू हार्ड मान सकते हैं हम। 22 मार्च आपकी छुट्टी थी, 22 मार्च को आपकी छुट्टी थी, 5 मार्च से लगा कर 26 मार्च के बीच में दो छुट्टियां थी, एक 18 मार्च को थी एक आपके 22 मार्च को छुट्टी थी। अब 23 मार्च का ले लेते हैं, 23 मार्च में जो फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी हार्ड थी और सेकंड शिफ्ट टू बी मीडियम टू हार्ड मान सकते हो आप, ठीक है। आप अपने जो भी आप डेट में एग्जाम थी आपके मार्च में 15 से लगा कर 23 मार्च के बीच में, आप इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से देखना और उसके बाद आप कमेंट जरूर करना। जितने भी व्यू होंगे, जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप जरूर कमेंट कर जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि हमारे नंबर कम आने का कारण क्या था और अधिक आने का कारण क्या था ये भी बताइएगा। तो सब कमेंट पढ़ेंगे तो सब बच्चों का लेवल भी इंक्रीज होगा और क्या कमियाँ रह गई, आपके अच्छे नंबर हैं तो कम नंबर वालों को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वो कमेंट देखेंगे आपने किस प्रकार की रणनीति अपनाई थी, ठीक है। ये हो गया आपका, अब 3 दिन और बाकी हैं बस, देख लेते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, 23 तक हो गया है, 24 मार्च 25 मार्च और 26 मार्च, ठीक है। 24 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट थी आपके हार्ड थी और सेकंड शिफ्ट मीडियम टू हार्ड मान सकते हो आप। 25 मार्च को इजी टू मीडियम है आपका और इवनिंग वाली शिफ्ट की तो हार्ड थी और लास्ट जो थी वो अपनी मॉर्निंग वाली शिफ्ट जो थी वो हार्ड थी, इजी टू हार्ड मान सकते हो आप, ठीक है। और जो था आपका इवनिंग वाली शिफ्ट जो 26 मार्च को जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी बहुत इजी थी, उर्दू का पेपर था और उसमें 8-9-10 नंबर पे आपके एक पैराग्राफ गलत आया था उर्दू वालों का, भैया का सब आप देखिएगा और मैंने खुद ने बोला था आप PAB को कंप्लेन करना, पर उसके आपके नंबर मिलेंगे, आपके नंबर मिलेंगे उस पैराग्राफ के, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, या तो नंबर मिलेंगे या आपके 150 में से 8 क्वेश्चन काट के 144 आपके 142 से आपकी मेरिट जाएगी, ठीक है, नॉर्मल से प्रक्रिया और उसमें आपके नंबर बनने के चांसेस ही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने शिफ्ट वाइज बता दिया आपको, 5 मार्च से लगाकर 26 मार्च के बीच में इजी थी आपकी या मॉडरेट थी या मॉडरेट टू हाई थी या इजी टू हाई मॉडरेट थी या बहुत हार्ड पेपर था आपका, तो इस सब के बारे में मैंने इसमें दे दिया। आपने स्क्रीनशॉट और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो अपलोड होता है तुरंत प्रवास आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आई बेल बटन जरूर दबाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।